कारक बताऊंगा व्याकरण का एक भाग। इसकी परिभाषा जान लीजिए, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक। उदाहरण, राम है कारक, इसका संबंध क्रिया के साथ, क्रिया के साथ इसका संबंध है इसलिए यह शब्द कहलाता है कारक। इसके आठ भेद होते हैं। पहला भेद देखिए, कर्ता क, कर्ता कारक कहते किसे हैं? वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बताने वाले वे शब्द जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बताने वाले वे शब्द जिसके द्वारा कार्य किया जाता है कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता के साथ ने कारक के चिन्ह आते भी हैं और कारक के चिन्ह नहीं भी आते हैं। जो क्रिया पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है उसके साथ कर्ता के साथ नहीं आता है। वाक्य में जो क्रिया पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है वहाँ कर्ता के साथ कारक का नेम चिन्ह प्रयोग में आता है, वरना कारक के साथ जहाँ क्रिया चल रही होती है वहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, रोटी खाने की क्रिया समाप्त हो चुकी है इसलिए कर्ता के साथ ने चिन्ह आया। अगर क्रिया चल रही होती तो उसमें कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक दूसरा होगा, गाने का कार्य चल रहा है, सीता के द्वारा गाए जा रहे हैं, वर्तमान में भी वह कार्य हो रहा है इसलिए कर्ता तो है, सीता भी कर्ता है, लेकिन इसके साथ ने का चिन्ह नहीं आया। इसलिए अंतर समझ लीजिए, जब कर्ता के साथ क्रिया आती है लेकिन वह क्रिया पूर्ण रूप में समाप्त हो गई रहती है वहां कारक कर्ता कारक के साथ ने का चिन्ह आता है, जहाँ कार्य चल रहा है जो क्रिया भी हो रही है वहाँ कर्ता के साथ ने का चिन्ह नहीं बनता। दूसरा भेद ख, कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो वह कहलाता है कर्म। इसके पहचान के नियम वाक्य में क्या है किसे लगा करके प्रश्न कीजिए। जैसे हम इसमें पता करेंगे कि कर्म है कौन, कर्म कारक इसमें कौन है, तो प्रश्न करेंगे वह रोटी खाती वह क्या खाती है, जो उत्तर मिलेगा वह हो जाएगा कर्म। दूसरे प्रकार का वाक्य, वह बच्चे को पढ़ाता है, इसमें कारक कर्म कारक के चिन्ह लगे हैं इसलिए इसे पहचानने में आसानी होती है, लेकिन तब भी इसमें प्रश्न किए जा सकते हैं किसे लगा करके, वह किसे पढ़ाता है, जो उत्तर मिलता है वह कहलाता है कर्म कारक। ऐसा नहीं प्रश्न कर लेंगे कि वह क्या पढ़ाता है, नहीं,
जिस प्रकार के वाक्य होंगे उसमें उसी प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। जैसे वह रोटी खाती है, इसमें होगा कि वह क्या खाती है, ऐसा नहीं कि इसमें प्रश्न कर देंगे कि वह किसे खाती है, नहीं। इसमें वह बच्चे को पढ़ाता है, वह किसे पढ़ाता है, वह क्या पढ़ाता है, जिस प्रकार के वाक्य होंगे उसमें उसी प्रकार के प्रश्न होंगे। लेकिन अब इसके साथ एक और बात समझ लीजिए, कर्म के चिन्ह है को, किसी कर्म में को लगता है और किसी कर्म में को नहीं लगता है। क्यों? जब कर्म सजीव हो उसके साथ को आता है, अब जब कर्म निर्जीव हो तो उसके साथ को नहीं आता है। जैसे आम कर्म है लेकिन इसके साथ को नहीं लगा क्योंकि आम निर्जीव। दूसरा उदाहरण, जो कर्म सजीव होगा उसके साथ कर्म, उस कर्म के साथ को लगेगी। रावण कर्म है लेकिन रावण सजीव है, इसके साथ कर्म का चिन्ह को आया। कर्म में चिन्ह को लगेगा जिस जो कर्म सजीव है, कर्म वह जो कर्म निर्जीव है उसके साथ को नहीं लगेगा। जो क्रिया समाप्त हो जाती है बहुत पहले उस कर्ता कारक के साथ ने लगेगा, जो क्रिया चल रही होती है उसके साथ जो कर्ता कारक है वहां ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्म जिसके चिन्ह है से, इसका मतलब होता है साधन। जैसे वह साइकिल से पढ़ने आता है, से आया, साइकिल से, इस कर्म के साथ से लगा क्योंकि ये बताता है पढ़ने के लिए आता तो है लेकिन साधन क्या है, तो साइकिल। जहाँ साधन के रूप में शब्द इस्तेमाल होता है वाक्य में वह कहलाता है कर्म कारक और इसके चिन्ह है से। संप्रदान के लिए जहां कर्ता के द्वारा किसी को कुछ दिया जाता है वह कहलाता है संप्रदान का। जैसे माँ बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, जहां कर्ता के द्वारा किसी दूसरे के लिए कार्य किया जाता हो वह कहलाता है संप्रदान। ये है चिन्ह, ये कारक के चिन्ह है और ये है संप्रदान कारक। ने को से के लिए ये कारक के चिन्ह होते हैं और उसके पहले जो शब्द आते हैं वह होते हैं कारक। जहाँ वाक्य में जुदाई या अलगाव का भाव पैदा होता हो
अलगाव का भाव पैदा करने वाले शब्द कहलाते हैं अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते की जुदाई हो जाती है। आँख से आंसू गिरते हैं, आँख से आंसू की जुदाई हो जाती है। अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, अलमारी से पुस्तक की जुदाई हो जाती है। जहाँ एक दूसरे से जुदाई होती है, अलगाव होता है, उसे कहा जाता है अपादान कारण। जैसे साइकिल, वह और साइकिल के बीच में जुदाई होगी, वह गिर पड़ा। तो ये साइकिल अपादान कारक और से अपादान कारक के चिन्ह। जब एक दूसरे कर्ता के साथ किसी की जुदाई हो जाती है तो वहां कहलाता है अपादान कारक। वह घर से निकल पड़ा, घर और वह दोनों के बीच में जुदाई हो गई, दोनों के बीच में अलगाव हो गया, इसलिए वह कहलाता है अपादान। जहाँ वाक्य में जिस स्थान पर क्रिया की जाती हो वह कहलाता है अधिकरण का। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, कुएं में मेंढक तैर रहा है, बिल्ली छत पर बैठी है। जहाँ में या पर आते हैं वह कहलाता है अधिकरण का। जैसे क्रिया हो रही है छत पर, कुएं में मेंढक तैर रहा है, मेंढक के तैरने की क्रिया हो रही है कुएं में। तो जहां में और पर आता है उसके पहले जो शब्द आते हैं वह कहलाते हैं अधिकरण कारक। संबंध कारक, जहाँ दो शब्द आते हैं, जहाँ दो शब्द आते हैं और एक दूसरे के बीच में संबंध होता है वहाँ कहलाता है संबंध कारक। जैसे राम की माँ बीमार है, दो शब्द है, शब्द है माँ और शब्द है राम की, जहाँ का के की आता हो वह कहलाता है संबंध कारक। बीमार है राम नहीं, बीमार है माँ, लेकिन माँ किसकी है तो राम की है। राम का माँ के साथ संबंध बताया जाता हो इसीलिए इसे कहा जाता है संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह है कि इसके पहले जो शब्द आया है यह कहलाता है संबंध कारक, क्योंकि बीमार है माँ, माँ का संबंध है राम से, राम और माँ के बीच में की संबंध कारक के चिन्ह आए हैं, इसलिए यह कहलाता है संबंध कारक। वाक्य में जब किसी के द्वारा संबोधित किया जाता है उसे कहा जाता है संबोधन कारक। जैसे हे प्रभु, अरे भाई, हे बहन, हे भाई मेरी मदद करो। तो जहाँ हे शब्द आता है, अरे भाई मेरी मदद करें, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं संबोधन कारक। तो ये थे कारक जिसके 8 भेद अभी आपने सुना, इसकी परिभाषा। वाक्य में ये सारे शब्द का अलग महत्व है, इसके बिना शुद्ध हिंदी आप लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में व्याकरण का ज्ञान होना आप सबों के लिए अनिवार्य है। मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और
आप सबको देता हूँ आशीष। जी सर, जी सर।